दोस्तों 2022 साल जाने वाला है, लेकिन इस साल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो याद रखने योग्य है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी घटनाएं घटी इस साल में महत्वपूर्ण, जिसे याद रखा जा सके। इस साल के यात्रा में ऐसी कई घटनाएं हैं जिन्होंने दुनिया का ध्यान खींचा है। उसमें नंबर वन है दोस्तों, मानव इतिहास में 28 सितंबर के दिन को हमेशा याद रखा जाएगा। इस दिन नासा ने धरती के पास से गुजर रहे एस्ट्रॉयड से स्पेस क्राफ्ट की टक्कर कराकर उसका रास्ता बदलने में कामयाबी हासिल की है। यह टक्कर ये जानने के लिए कराई गई थी कि अंतरिक्ष से धरती की तरफ आने वाली चट्टानों और क्षुद्र ग्रहों को धरती की तरफ आने से रोका जा सकता है या नहीं। इस टेस्ट के जरिए ये साबित हो गया कि ऐसा किया जा सकता है। दोस्तों, इस साल में घटे महत्वपूर्ण घटनाओं में एक यह भी है कि मानव खून में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। मार्च 2022 में मशहूर जर्नल इन्वायरमेंट इंटरनेशनल में एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें दावा किया गया था कि एक शोध में जांच के लिए जितने लोगों के खून के नमूने लिए गए उनमें से 80% नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए। दोस्तों, ये माइक्रोप्लास्टिक एक कण 5 मिलीमीटर से छोटे होते हैं। यह मिट्टी या समुद्र में प्लास्टिक के बड़े बड़े टुकड़ों के सड़ने और गलने के बाद बनते हैं। ये छोटे कण पूरे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। दोस्तों, इस साल में घटने वाली तीसरी महत्वपूर्ण घटना यह है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप में कई अनूठे रिकॉर्ड बनाए। कतर में फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कई नए रिकॉर्ड बने। फुटबॉल की दुनिया में बने कई नए रिकॉर्डों के कारण यह विश्व कप ऐतिहासिक हो गया। दोस्तों, 2022 की चौथी घटना ऐसी है कि 15 नवंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने एक आंकड़ा घोषित किया, जिसमें बताया गया कि दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है। उस दिन जारी अपने बयान में यूएनए ने कहा कि धरती की आबादी में इस अभूतपूर्व वृद्धि की मुख्य वजह है कि इंसानों की आयु पहले के मुकाबले बढ़ गई है। इंसानों की अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, खान पान, व्यक्तिगत साफ सफाई और दवाओं की वजह से पहले के मुकाबले बढ़ी है। इसकी दूसरी वजह है कई देशों में लगातार जन्म दर का बढ़ना। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह भी कहा है कि हमारी आबादी 8 अरब से 9 अरब होने में 15 साल लगेंगे। आबादी के 7 अरब से 8 अरब होने में 12 साल का वक्त लगा, लेकिन इसके मुकाबले जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार आगे थोड़ी धीमी रहेगी। दोस्तों, इस साल के महत्वपूर्ण घटनाओं में मलेरिया का वैक्सीन मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मलेरिया का वैक्सीन मिलना एक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा वरदान जैसा साबित हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का दावा कुछ ऐसा है कि इस साल सितंबर महीने में जारी एक बयान में वैज्ञानिकों ने कहा कि उन्होंने मलेरिया की एक ऐसी वैक्सीन विकसित कर ली है जिससे दुनिया बदल सकती है। उम्मीद की जा रही है कि यह वैक्सीन अगले साल तक सबके लिए उपलब्ध हो सकती है। मलेरिया की वजह से पूरी दुनिया में हर साल 4 लाख लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, यह वैक्सीन शुरुआती ट्रायल में 80% असरदायक साबित हुई है। दोस्तों, मलेरिया को पूरी दुनिया में शिशु मृत्यु दर में बढ़ोतरी का बहुत बड़ा कारण माना जाता था, लेकिन इसके लिए वैक्सीन बनाना बेहद चुनौती भरा साबित हो रहा था, क्योंकि मलेरिया के लिए जिम्मेदार वायरस बेहद जटिल और प्रवृत्ति वाले होते हैं और यह बहुत जल्दी ही अपना टारगेट बदलने के साथ शरीर के अंदर अपने रूप और लक्षण भी तेजी से बदल देते हैं। दोस्तों, 6ठे नंबर पे जेंडर हिस्ट्री रचने वाले लोडूस। विंटर ओलंपिक्स में आइस स्केटिंग ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें लोग अकेले या अपने जोड़ीदार के साथ हिस्सा लेते हैं। इसमें मेल या फीमेल जेंडर के साथ नॉन बाइनरी यानी ऐसे लोग जिनका लिंग स्त्री या पुरुष में निर्धारित नहीं, वो भी हिस्सा ले सकते हैं। टिमोटी लोडूस अमेरिका के जाने माने फिगर स्केटर है और इस साल फरवरी में बीजिंग में हुए विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा लेकर उन्होंने एक इतिहास रच दिया। हालांकि लोडूस ने प्रतियोगिता में कोई मेडल नहीं जीता, बल्कि वो अपने जोड़ीदार एस्लिप केन के साथ 7वें नंबर पर है, लेकिन अपनी लैंगिक पहचान की वजह से उन्होंने दुनिया भर में प्रशंसकों पर अपनी छाप छोड़कर दुनिया के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। दोस्तों, 2022 की महत्वपूर्ण घटनाओं में घटना यह भी है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सबसे दूर स्थित गैलेक्सी की तस्वीर भेजी। बहुत दूर अंतरिक्ष की पहली तस्वीर जुलाई में भेजने के बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप लगातार सुर्खियों में रहा। दुनिया के अब तक के सबसे बड़े टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के अनदेखे कोनों की हैरत अंगेज तस्वीरें लगातार धरती पर भेजी है। इन्हीं में से एक थी गैलेक्सी की तस्वीर,
जिसकी उम्र 13 अरब साल। इस आधार पर माना जा रहा है कि गैलेक्सी का निर्माण बिग बैंग की घटना के ठीक बाद हुआ था। दोस्तों, इस साल के महत्वपूर्ण घटनाओं में ऋषि सुनक का रिकॉर्ड भी रहा। ब्रिटेन में वैसे तो इस साल कई रिकॉर्ड बने, खासतौर प्रधानमंत्रियों के मामले में। लीज़ ट्रस ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम 45 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, लेकिन इससे बड़ा इतिहास उनके बाद आने वाला प्रधानमंत्री ने रचा। ये थे ऋषि सुनक, जिन्होंने 25 अक्टूबर को शपथ ली थी। ऋषि सुनक पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जो ब्रिटिश मूल के नहीं हैं। दोस्तों, इस साल की दूसरी घटना ऐसी है। घटना इस साल जून में वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया खोजने की जानकारी दी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे देखने के लिए आपको किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। बैक्टीरिया को नाम दिया गया था थियो मार्गेट्रीटा मैग्निफिसिया। ये हमारे आंखों के पलक के एक बाल जितना है। इसकी लंबाई करीब 1 सेंटीमीटर है, यानी अब तक पाए गए बड़े से बड़े बैक्टीरिया से भी ये 50 गुना बड़ा है। दोस्तों, ये थी 2022 में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं, जिन्हें आपको बताया मैंने। दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।